हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन वीडियो लेकर आए हैं वो परीक्षा 2020-21 के संबंध में पार्ट टू है। जो फर्स्ट वीडियो देखने पर भी कुछ विद्यार्थियों की अभी शंकाएं दूर नहीं हुई है, उन्हीं शंकाओं को दूर करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। कुछ विद्यार्थी अभी भी कंफ्यूज हैं कि वो अगले वर्ष में प्रवेश ले रहे हैं, उनके फॉर्म भरने हैं या अभी पिछले साल वाले फॉर्म भरने हैं। तो इन्हीं शंकाओं को दूर करने के लिए मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि बीए फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थी बीए सेकेंड ईयर में ज़रूर जा रहे हैं, वो प्रमोट हो रहे हैं फर्स्ट ईयर में, परंतु उनको बीए फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम फॉर्म भरने हैं। इसी प्रकार बीए सेकेंड ईयर वाले अस्थायी रूप से बीए थर्ड ईयर में प्रमोट हो रहे हैं, लेकिन उनको बीए सेकेंड ईयर के फॉर्म भरने, और बीए थर्ड ईयर वालों के एग्ज़ाम होनी है, उनको बीए थर्ड ईयर के एग्ज़ाम फॉर्म भरने। तो इस प्रकार मैं समझता हूँ कि इस वीडियो से आपकी जो भी शंका होगी वो दूर हो जाएगी। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि जिसने 2020 में जिस ईयर में एडमिशन लिया उसको उस ईयर का फॉर्म भरना, एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। और साथ ही अगले वीक से महाविद्यालय के ई मित्र के थ्रू अगले ईयर में एडमिशन के लिए फीस भी प्रारंभ हो रही है, यानी फर्स्ट ईयर वाले सेकंड ईयर के में एडमिशन लेने के लिए उनकी फीस ई मित्र के द्वारा भरी जाएगी, और सेकंड ईयर वाले थर्ड ईयर में प्रमोट हो जाएंगे, अस्थायी रूप से प्रमोट हो जाएंगे और उनकी भी एडमिशन फीस भरी जाएगी। यानी एग्ज़ाम फॉरम की फीस अलग चीज़ है और एडमिशन फॉरम फीस अलग चीज़ है। यानी एग्ज़ाम फॉरम भी भरने हैं सबको, और आगामी कक्षाओं में एडमिशन रेगुलर लेने के लिए उनको फीस भी भरनी है। ओके, थैंक यू।